अब तुम्हें पता है कि अभी न्यूयॉर्क फेस्टिवल में तुम गए हो, इस सेगमेंट के बाद मैं आऊँगी वापस, हाँ, न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल के लिए, लेकिन तुम्हारी फिल्म भी बहुत अप्रिशिएट की गई वगैरह, सबको बुलाया गया, सब आ जा रही थी, सारे कास्ट मेंबर सब वगैरह, तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं आया अवार्ड शो का यार, आपने तो सारी मेरी जिंदगी की सच्चाइयों को इधर खोल के ही रख दिया। मेरे पास कई वैसे इनविटेशन नहीं आए अवार्ड शो हाँ, मेरे के। साथ भी ऐसा ही हुआ है, हाँ, लेकिन सोच रहे हो कि कितना मैं अच्छा ही तुम्हारे साथ कर रही रिलेट कर सकते हूँ। तो एनीवे, सो यू आर नॉट गेटिंग इनवाइटेड टू एन अवार्ड शो और दिल पे लग गई हो, बहुत अपसेट हो, लेकिन कूल बनना है लोगों के सामने, क्योंकि किसी इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछ लिया है कि जी सुना है आप नहीं जा रहे न्यूयॉर्क, तो आपको कैसा लग रहा है? तो भरम भी है, लेकिन अब क्या करें। यार। एक तो अभी आया हूँ मैं न्यूयॉर्क से 3 महीने पहले। बहुत लंबी फ्लाइट है यार, 15 घंटे। कौन जा रही है? फेस्टिवल वेस्टिवल ऐसे ही होते हैं। इसमें आया हुआ इन्विटेशन, मेरे पास फ़ोन आया दो था मुझे, उसने खुद फ़ोन किया। एक दफ़ा मैं उठा नहीं सका, दूसरी दफ़ा उसने फिर फ़ोन किया, मैंने बात की, मैंने कहा यार नहीं, अभी अभी आया हूँ मैं रिसेंटली, अभी 3 महीने ज़्यादा जो व्हाट्सएप पर हमारी बात हुई, मैं वहीं तो था मैं। अच्छा अच्छा न्यूयॉर्क में थे। हाँ, तो वो और ये फेस्टिवल्स मतलब एक गाड़ी में घुसा देते हैं, कमरा शेयर कर लो टाइप नहीं होती ना, बिजनेस का लेकिन बोल के सब तो कह लोकल रहे ले थे गए। कि आप रो रहे थे जब आपको नहीं आया अवार्ड का इनविटेशन। कौन सा आपके दोस्त बता रहे थे कि आप तो हिचकियों के साथ रोएं कि मैंने इतनी मेहनत की है फिल्म में यार और उस सबको दिन, बुला लिया। ये मीडिया की बातें होती हैं। अच्छा, उस दिन मेरे मामू की बरसी थी, जी, एंड वाला चला, एंड वाला ज्यादा बहुत।